ग्वालियर पुलिस ने बुजुर्ग मां बेटी के अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व नौकर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी इरफान खान ने नौकरी से निकाले जाने से नाराज होकर लूट की नीयत से तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर फ्लैट में घुसकर मां बेटी के साथ मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी थी और भाग निकले थे। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक का दावा है कि आरोपियों ने हत्या की वारदात कबूली है और उनसे वारदात के दौरान लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया है। ग्वालियर में मंगलवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जब 80 वर्षीय इंदुपुरी और उनकी 56 वर्षीय बेटी रीना भल्ला के शव संदिग्ध अवस्था में फ्लैट नंबर 322 में पाए गए। दोनों के शव सबसे पहले फ्लैट में काम करने वाली नौकरानी ने देखे, जिसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आला अधिकारी आईजी अरविंद सक्सेना और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जांच के दौरान पुलिस ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि इरफान खान, जो पूर्व में रीना के जनरल स्टोर पर काम करता था, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना ने ग्वालियर के लोगों में गहरी चिंता और दुख का माहौल बना दिया है, जबकि पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। उसमें पुलिस को इंटीमेशन ये मिला था कि 322 नंबर फ्लैट में दो महिलाओं के मृत शरीर हैं, क्योंकि घटना बहुत ही संवेदनशील थी। जो घटना स्थल देखने से जानकारी मिली कि कोई फोर्स एंट्री नहीं है, सामान्यतः वृद्ध महिला अपना ये जो व्यवसाय करते थे होम डिलीवरी का, इस कारण से अपना गेट खोल के रखते थे। दोनों महिलाओं के मृत शरीर को देखने से लगता था कि स्ट्रैंगुलेट किया गया है, थोड़ा मार्क्स ऑफ स्ट्रगल भी थे वहाँ पे। इन्हें पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन से होना पाया गया। चार टीमें अलग अलग जगह डिस्पैच की गई, तो मुझे 12 घंटे में ही पुलिस ने काफ़ी अच्छी इसमें सफलता प्राप्त की। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस समय इस घटना के चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है वो इरफान खान है, जो गोद का रहने वाला है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।